फैमिली, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। होली के रंग जैसे जीवन में बिखरते हैं चारों तरफ, भगवान आपके जीवन में इसी तरह होली के सुंदर सुंदर रंग बिखेरता रहे, है ना। और सबका जीवन बहुत खुशहाल रहे, संसार में सुख शांति रहे। और पूजा भी मैंने कर ली है, और चलिए आप लोगों को हैप्पी होली। और यहाँ पे देखो टिम्मी शान जो है मुझे रंग लगा के, और वो भी अपना बाहर चलेगा, और ये उनका सामान रखा हुआ है तो, और सुबह से लगे हैं बैलून फुलाने में। वो देखो टिम्मी शान के काम। ये पंप ना सबसे बढ़िया, इसमें क्या है इसको ऐसे खोलेंगे, इन्होंने कलर वाला पानी बना रखा है। और देखो ये जुगाड़ किया इनके पापा जी ने, और ये देखो ये अच्छा बटन ऑन करने पे, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे, और ये देखो कलर वाला पानी आ गया। और ये जुगाड़ किया है, ये बैलून भरने के लिए किया, और ये इतने बैलून भर के रख दिए। और ये मुझे बड़ा मस्त लगा भाई। ये देखो पूरा और पानी इसी में गिर रहा है, कोई वेस्ट भी नहीं जा रहा, कलर का पानी भरा जा रहा बैलून में। तो हम ये बंद कर देते हैं, और ये इनके पापा जी की इन्वेंशन है। मार दो, तू शर्मा क्यों रहा है? टिम्मी अंदर बाहर क्या कर रहा है? ये बैलून की बाल्टी भर के रखी टिम्मी ने। हैप्पी होली, हैप्पी होली पापा जी। ये लो ये लो ये लो ये लो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ना नीचे चले गए होली खेलने, और यहाँ पे पापा जी को लगा दिया है बैलून फुलाने के लिए। और कैसे बनाया मैंने? ये बैलून बन गया, कलर वाला बैलून है। और कुछ वेस्टेज नहीं है, पानी उसके अंदर गिर रहा है, पानी उसी के अंदर गिर रहा है। और ये अभी इतने सारे तो टिम्मी शान ले गए हैं, बाल्टी देखो खाली हो गई। और इसमें लगा है कूलर, जो हमने हमारा पुराना कूलर था उसका पंप से ये बनाया है। और ये सारा वेस्टेज है, और ये गीजर का पुराना उसको इस्तेमाल कर दिया हमने। ये जुगाड़ू राम है, जुगाड़ू। मैंने बस में भी ये पाइप 10 रुपए पाइप लेके आया, बस में क्या लेकर आया ये बस में ये वाला, हाँ बस ये पाइप लगा लगाने वाला ये लेके आया हूँ मैं, बाकी सारा का सारा खर्चा भेज दे के लिए भर दिए बैलून, और अब मैं देने जा रही हूँ। फुल मस्ती हो रही है उनकी, है ना। सीढ़ियों के हाल देखो क्या कर दिए उन्होंने, नीचे देखो जरा। बाहर फिर के बाहर करो, बाहर करना चांद।
से खूब होली खेल ली है और लास्ट में तो बस टिम्मी शान को कोई नहीं मिलाना, तो उनको मैं ही मिलती हूँ। और अब हम जाते हैं नीचे क्योंकि अब एक एक करके ये बच्चे नहाएंगे और मुझे करनी है सफाइयाँ। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब पर होली है तो भाई घर तो गंदा होगा। और कहते हैं ना कि वो घर भी क्या जिसमें होली का रंग ना लगे, तो होली का रंग लगना बहुत जरूरी होता है। तो चलो भाई हमारा, मैं दिखाती हूँ अभी अपने घर की रंगीन हालत क्या होती है। देखो पूरा घर रंग बिरंगा हो रखा है। और ये देखो होली से क्या बना दिया बच्चों ने, यही हालत यहाँ पर, यही नीचे की भी है और कमरों की भी यही हालत रखी है। तो चलो होली खेलने के बाद होली के रुझान शुरू हो गए। और होली का रुझान ये कि देखो भाई पर रही है होली सफाई, वैसे तो धीरे धीरे साफ होगा फिर भी, तो यही होता है होली के बाद असली है ना। पर भाई इस सफाई के डर से डरना नहीं चाहिए है ना, जम के होली के। और सही बात है ना, एकदम सही बात है। भी पूरा क्लीन हो गया है। और ये देखो हमारे ईशान को ये भी नहा गया, हाँ लग नहीं रहा भूखी लग रही है। और ये देखो दही तो खैर मैंने कल ही जमा के रख दी थी, अभी बाहर रख दी थी रूम टेम्परेचर में। पहले सुबह चटनी बनाई है और यहाँ पे ना भल्ले बना के ना फ्रिज में रख दिए थे, और अब बस इस तरीके से पानी गर्म कर रही हूँ, उसमें थोड़ी देर इनको भिगा दूंगी, डुबो दूंगी मतलब पानी में, और फिर खाएंगे हम दही बल्ले। क्योंकि अब ना होली खेलने के बाद ना मन करता है कुछ खट्टा खट्टा और चटपटा खाने का, तो इसलिए दही बल्ले। और ये दही बल्ले मैंने कल ही बना के रख देते, और हमेशा हर साल ऐसी करती हूँ होली में, दही बल्ले और गुजिया जो होते हैं ना एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ। तो बस अब दही बल्ले खा रहे थे, होली खेलने के बाद दही बल्ले खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो गुड बाय एंड वंस अगेन हैप्पी होली।